हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वेज चीज़ सैंडविच। तो वेज चीज़ सैंडविच बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो इस तरीके से है। मैंने यहाँ पे 6 ब्रेड स्लाइस लिए हुए हैं। ये मैंने ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया हुआ है, आप चाहें तो यह व्हाइट ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने हाफ बाउल यहाँ पे प्याज ले लिया है कटा हुआ बारीक, आप चाहें तो स्लाइस में काट सकते हैं इसको। और मैंने हाफ बाउल यहाँ पे शिमला मिर्ची ली हुई है, मैंने ये रेड शिमला मिर्ची यूज़ की है, आप चाहें तो हरी शिमला मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। और मैंने 1 कटोरी ये मोजरेला चीज लिया हुआ है यहाँ पे, जो मैंने कद्दूकस कर लिया है। और हाफ कटोरी मैंने यहाँ पे गाजर लिया हुआ है, जो मैंने बारीक काट लिया है। तो फ्रेंड्स, सैंडविच के लिए बारीक कटी हुई सामग्री हमें चाहिए होगी, तो आप जितनी बारीक काट सकते हैं उतनी बारीक चीज़ें काटिए, ताकि हमारा सैंडविच जो है जल्दी से और अच्छा से बन के तैयार हो। और यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 टेबल स्पून नमक ले लिया है। ये मैंने बटर का यूज़ किया हुआ है, यहाँ अमूल बटर का यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी बटर या देसी घी या ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने बटर ले लिया है, यहाँ पे यूज़ करूँगी मैं। और मैंने ये 1/2 टेबल स्पून ऑर्गेनो हर्ब्स लिया है, ये मार्केट में इजीली मिल जाएगा आपको, किसी भी बेकरी शॉप पे आप चले जाए तो वहाँ से मिल जाएगा आपको, तो बेकरी शॉप से ले सकते हैं ये। ये मैंने हरा धनिया लिया हुआ है यहाँ पे, बारीक काट लिया है इसको। और मैंने ये चीज़ स्लाइस लिया हुआ है यहाँ पे, ये मैं चीज़ स्लाइस का भी यूज़ करूँगी, और ये मैं चीज़ मोजरेला चीज़ का भी यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने ये रेड चिली फ्लेक्स लिए हुए हैं, और थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर लिया हुआ है, इससे सैंडविच में टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम एक बाउल में ये सारी सामग्री मिला लेते हैं। हम यहाँ पे प्याज लेंगे, तो हम एक एक चीज का यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये प्याज डालेंगे बाउल में, बड़े बाउल में। और ये शिमला मिर्ची है, आप चाहे तो हरी शिमला मिर्ची का यूज करिए, ये डाल दिया। अब हम इसमें गाजर डालेंगे और हम ये अच्छे से मिलाएंगे। अब हम यहाँ पे मोजरेला चीज डालेंगे, आप चाहें तो यहाँ मोजरेला चीज का, चाहें तो पॉमजान चीज का यूज कर सकते हैं, आपको जो अच्छी लगे वो चीज यूज कर सकते हैं आप। ये मैंने ब्लैक पेपर और रेड चिली डाला हुआ है, ये ऑर्गन हर्ब्स डाला है मैंने, ये हरा धनिया डालूंगी। और यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज कर सकते हैं। तो इनको हम अच्छे से मिला लेंगे पहले। ये हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया, इसको हम साइड रख देंगे और हम ब्रेड पे बटर लगाएंगे। ये मैं इस तरफ रख दूंगी। अब हम ब्रेड पे बटर लगाएंगे। तो ये अगर आपके पास फ्रिज से निकाला हुआ है अपने इमीडिएट बटर, तो आप थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिए इसको, तो ब्रेड पे अच्छे से ये लग जाएगा। ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, इस तरीके से। ये मैं सारे स्लाइस पे लगा के तैयार कर लूंगी, इस तरीके से लगाना, ये सारे स्लाइस पे लगा के तैयार कर लूंगी। ये फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे ब्रेड से बटर लगा के तैयार कर लिया है, ये इस तरीके से। और अब हम इस पे मिक्सचर लगा के तैयार करेंगे, ये अब हम इस पे जो हमने मिक्सचर बनाया है वो डालेंगे। मिक्सचर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, क्योंकि ये जब हम सेकेंगे ब्रेड तो ये निकलने लगता है इस तरीके से। और जो मैंने ब्रेड का साइड जो लगा के रखा हुआ है, तो अब हम इसको इस पे डाल देंगे। और यहाँ पे मैं चीज स्लाइस का भी यूज कर रही हूँ, तो आप चाहे चीज स्लाइस का यूज करूंगी यहाँ पे, ये इस तरीके से। मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, आप चाहें तो चीज़ स्लाइस का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ये जो मैंने कद्दूकस किया हुआ चीज़, इस तरीके से आप मोज़रेला चीज़ कद्दूकस करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये होगा। तो हम इस तरीके से रखेंगे इसको, इस तरीके से इस पर थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इस तरीके से इसको हटा देंगे, इस तरीके से। अब हमने जो ब्रेड में बटर लगाया था जिस साइड, उस साइड हम रखेंगे इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे इस तरीके से। तो हम इसी तरीके से सारे से बना के तैयार कर लेते हैं सारे। फ्रेंड्स, सारे ब्रेड पे लगा लिया है चीज, अब हम इस पे भी लगा लेंगे।
इस तरीके से, इस तरीके से लगाएंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये अपने आप इजीली निकल जाता है, ये देखिए इस तरीके से। और हम इस पे अब ब्रेड लगा लेंगे दूसरी साइड इस तरीके से, और हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बटर लगा देंगे ताकि हमारा ये जो ऊपर का अच्छे से सिक्के तैयार हो और कलर भी बहुत अच्छा आएगा इसका। ये देखिए इस तरीके से बटर लगा देंगे थोड़ा सा, आप चाहें तो बटर का यूज कर सकते हैं, देसी घी का यूज कर सकते हैं, रिफाइंड का यूज कर सकते हैं, आप जिस तरह से सेक के खाना चाहे खा सकते हैं, आप चाहें तो इसी तरीके से बगैर बटर और घी के लगा के सेक के खा सकते हैं। तो अब हम इसको सेकेंगे, तो ये मैंने गैस का फ्लेम, ये मैंने गैस ऑन कर दी है और मैंने गैस जला भी दी, तो इसका फ्लेम हम ना मीडियम ही रखेंगे, हमें ज्यादा तेज नहीं करना है इसका फ्लेम। और हम थोड़ा सा बटर इस पे भी लगा लेंगे पहले से, ये मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक तवे का यूज किया है, आप चाहें तो नॉर्मल तवे पे भी इसको बना सकते हैं, नॉर्मल तवे पे आप बनाए तो उसको भी आप इस तरीके से पहले बटरिंग कर लीजिए, बटर लगा लीजिए उसके बाद आप करिए, तो वो चिपकेगा नहीं आपका। तो ये हम इस तरीके से रखेंगे, इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, और जो हमने दूसरा बनाया हुआ था ये भी हम रख देंगे इस तरीके से, इसको दबा देंगे इस तरीके से, और फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, ज्यादा तेज नहीं रखना, क्योंकि हमने जो बैच डाली हुई है सैंडविच के अंदर हमें वो भी थोड़ी सी कुक करनी है, थोड़ी सी क्रंची हो जाएगी, उसके बाद हम ये सैंडविच दूसरी तरह से पलट देंगे। इस तरीके से बटर लगाना है। और फ्रेंड्स ये बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आते हैं, आप चाहे तो बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं, आप चाहे तो बच्चों को सुबह नाश्ते में दे सकते हैं, आप खुद भी इसको नाश्ते में खा सकते हैं, आप चाहे तो कहीं सफर पे जा रहे हैं तो भी आप पैक करके इसको लेके जा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं और आप कुछ अच्छा सा उनको खिलाना चाहते हैं तो इसको बना के आप खिलाइए, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी ये वन साइड थोड़े से कुक हो चुके हैं, हम इनको पलट देंगे इस तरीके से, इस तरीके से देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए, और ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं हमारे, ये देखिए, इसको भी हम पलट देंगे इस तरीके से। इस तरीके से पलट देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा। ये हमारे तैयार हो चुके हैं, ये इस तरफ से देखिए कितने क्रंची हो चुके हैं, थोड़े से और तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे दूसरी साइड भी कुक हो चुके हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर आया इसका। और इसी तरीके से हमें पकाना, ज्यादा तेज फ्लेम नहीं करना है गैस का, नहीं तो ये जल जाएंगे और जले हुए टेस्टी भी नहीं लगेगी। ये देखिए ये मैं अभी आपको काट के दिखाऊंगी कि अंदर से देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये बना हुआ, इसको भी हम निकाल लेंगे। और ये हमने जो दूसरा रखा हुआ है इसको भी हम बना लेंगे, थोड़ा सा इस पे बटर डालेंगे, हम इसको भी इस तरीके से रख देंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे इस तरीके से। आप घी तेल किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है, घी अवेलेबल है या ऑयल अवेलेबल है तो वो लगा दीजिए आप। इस तरीके से आप चाहे तो ये ब्रेड के साइड निकाल सकते हैं, मैंने इसी तरीके से बना के दिखाया है आपको, अगर आपको ये ब्रेड के साइड नहीं पसंद है तो आप ये निकाल दीजिए उसके बाद बनाइए, वो भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए एक साइड से हमारा थोड़ा सा पक गया है, अब हम इसे दूसरी साइड से पकाएंगे इस तरीके से।
फ्रेंड्स हमारा ये देखिए दूसरी साइड से भी ये देखिए कितना अच्छा कुक हो गया है। और अब हम आपको ये काट के दिखाएंगे। ये देखिए हम काट के दिखाएंगे इसे। ये देखिए ये देखिए कितना अच्छा हमारा बनके तैयार हुआ। ये देखिए आप बच्चों को बना के दीजिए, बच्चे मना नहीं कर पाएंगे इसको खाने के लिए और आप भी नहीं मना कर पाएंगे, इतना टेस्टी बना हुआ है तो खाने में बहुत अच्छा लगे। ये देखिए आप इसको चाहे तो टमाटर सॉस से सर्व कर सकते हैं, आप इसको चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ सॉस सर्व कर सकते हैं, आपको जिस तरीके से पसंद आए आप उस तरीके से सर्व करिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है बैच चीज सैंडविच का तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स हमारा ये वाला भी सैंडविच बनके तैयार हो गया। अब हम इसको भी गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसको भी उतार लेंगे इस तरीके से। देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ। आप चाहे तो इसको शाम को स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, हल्की फुल्की भूख लगे उसमें भी खा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वेज चीज सैंडविच का वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।